अंतरंगे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम इस हफ्ते भारत में आपके सामने इस हफ्ते भारत आपके सामने लाए हैं। इस हफ्ते भारत में हम आज एक तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जो हम पेट्रोल को शामिल करने वाले थे, तो उस पर एक चर्चा होगी कि वो क्यों नहीं हो पाया। और पेट्रोल को जीएसटी में अगर हम शामिल करते तो क्या फायदे और क्या नुकसान होते। और आपने देखा होगा कि जीएसटी कितना कामयाब हुआ है। जो जो टैक्स कलेक्शन है बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है, सुव्यवस्थित ढंग से हो रही है। उसका हिस्सा जो है जो स्टेट्स को जाना चाहिए वो जाता है और बहुत अच्छे से इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन है। तो इसको पेट्रोल को क्यों नहीं माना गया, इसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरा है कि अजीब सी बात लगती है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी भारत की है उसके लिए एक उसूल पढ़ाई में पूजा के स्थलों को लेके पुजारियों को लेके एक लॉ है और जो माइनॉरिटीज है उसके लिए दूसरा लॉ। इसकी वजह क्या है, इसको भी हम इस प्रोग्राम में आज उसकी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, क्यों इसको टेक ओवर हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है उसका एक ट्रस्ट बना के टेक ओवर किया जाता है। गवर्नमेंट उसका टेक ओवर करती है, फिर उसका पैसा जो है ठीक है गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के काम में लगा देती है या किसी भी चीज़, लेकिन हमारी कम्युनिटी में उसका कितना हिस्सा रहता है क्या नहीं रहता वो उसमें समझ में नहीं आता है। क्योंकि वो सारा पैसा जो है एक कम्युनिटी विशेष जो है वहाँ पे बेंट करती है, उसको चढ़ावा करती है उसका। तो उनके लोग अगर सफर करते हैं, उनके अपने लोग अगर सफर करते हैं तो उचित नहीं है। पाकिस्तान कबूल करता है कि उसने तालिबान को पैदा किया, बाद में उसका लालन पालन किया, फिर उसको वित्त पोषित किया, हर तरीके से उनकी मदद की और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी। एक नहीं कई ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट खत्म कर मतलब खड़ी खड़ी कर। उसका असर हमारे देश में भी पड़ता है और हम अपने देश में भी उसका असर देखने को हमको मिलता है कि किस तरीके से वो हमारे देश में भी अभी हाल ही में जो है आईएसआईएस और कितने ही लोगों को हमने 6-7 लोगों को हमारी इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया। और ये सारा जो है ये वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म, सारे दुनिया को एक्सपोर्ट टेररिज्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है इसे खुद भी अप्रभावित नहीं रह सकता है, उसको भी ये डसेगा, ये तो स्नेक्स पाल रहा है। तो ये इस सूरत हाल पे भी हम बात करेंगे। तो ये तीन विषय आज हैं जो हम डॉक्टर एम के भट्ट के साथ आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आइए मिलते हैं डॉक्टर भट्ट साहब से, डॉक्टर एम के भट्ट। भट्ट साहब आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अभी हाल ही में जीएसटी की मीटिंग लखनऊ में हुई और लखनऊ में जीएसटी मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, जैसे बहुत सारे जो ज़रूरियात ज़िंदगी के जो अशिया है उनसे उन पर रिड्यूस हो गया जो टैक्स है और रिड्यूस कर दिया गया, कहीं कहीं तो 12% से 5% पे लाया गया। अब पेट्रोल के बारे में हर एक शोर मचा रहा था और शोर ये मचा रहा था कि पेट्रोल को भी जीएसटी में लाओ, पेट्रोल को भी जीएसटी में लाओ। और जब ये बात जीएसटी में इसको पेट्रोल को लाने की चलाई गई तो वो लोग जो सबसे ज्यादा शोर मचाते थे उन्होंने इसका विरोध किया, इसका कारण क्या है पहले तो मैं ये कहूंगा कि जी? इसमें सेंट्रल भी और स्टेट भी कहीं ना कहीं दोनों का एक ही नजरिया है कि इसमें टैक्स एक्साइज और जो एक्साइज प्लस सेस सेंटर का लगता है और वैट स्टेट का लगता है। और अगर आप देखेंगे ये बराबरी पे ही लगता है ऑलमोस्ट, यानी अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस और रिटेल का लेंगे उसका जितना कॉस्ट बैठता है उतना ही कॉस्ट, बल्कि उससे ज्यादा कॉस्ट टैक्सेस का लगता है। अगर पर लीटर देखेंगे 60 रुपये मान लो आप टैक्सेस का है और बाकी जो रहता है वो एक्चुअल कॉस्ट है। प्राइस है अब इसमें इसमें क्या है, पहले सेंट्रल से लगता है इसमें एक्साइज ड्यूटी प्लस सेस और स्टेट्स का लगता है वैट वैल्यू एडिड टैक्स। लेकिन जी
इस समय ये कोशिश कर रहा था, हर कोई एक्सपेक्ट भी ये कर रहा था कि ये जीएसटी के अंदर आ जाए ताकि ये प्रॉब्लम कम हो जाए। जीएसटी में जो हाईएस्ट टैक्स है वो 28% है, अदरवाइज हम अराउंड 60% उस पे ऐड लगाते हैं दोनों को मिला के। तो अगर ये इसमें आता तो राहत होती, प्राइस कम होता, यानी ये जो प्राइस पर लीटर है ये 50-52 रुपए के या 50-55 रुपए के आसपास आ जाता है, क्योंकि करीब 60 रुपए इससे माइनस होती। और आप उसमें 28% अगर हम एक्साइज भी उसमें जीएसटी लगाते तो ये 70-72 तक आ जाता, लेकिन इतना नहीं था, 101 रुपए 104 रुपए नहीं रहता। अब जब पहले जीएसटी बना उस समय भी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन जो उसमें लगता है तेल, इस चीज को बाहर रखा था जीएसटी के अंदर। अब केरला हाईकोर्ट ने अब की बार मांगा, डिमांड किया कि इसको जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लाते। अब ये बड़ी एक इससे दो फायदे होते अगर ये जीएसटी के अंदर आता, एक तो प्राइस रीजन था तो प्राइस कम हो जाता, दूसरा जो स्टेट्स कम वैट लगाती है, जैसे हमारे पास कई स्टेट्स है जो वैट कम लगाते हैं, अंडमान एंड निकोबार 6% लगाता है, या हमारे पास कई और स्टेट्स है जो वैट का जो इनका रेशियो है बहुत कम, और कई स्टेट्स बहुत हाई लगाती है। एक तो यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम लगता थ्रू आउट कंट्री, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तीसरा जो अब उसमें उन कंट्रीज को, उन स्टेट्स को फायदा आता जिनमें कम वैट लगता था उनका रेशियो बढ़ता, और जिनका ज्यादा लगता था उनका रेशियो कम है, लेकिन स्टेट्स ने ओपनली कह दिया भाई हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, और सेंटर का भी कहीं ना कहीं ये मानना ही है कि ये सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो जीएसटी, और एक इसका बड़ा फायदा ये आता, अगर ये जीएसटी के अंदर आता तो टैक्सेस कम हो जाते, ये प्राइसेस कम होते हैं। इस समय जो हम इन्फ्लेशन झेल रहे हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से हम झेल रहे हैं, सो वो एक तो वो भी कम होता है, और यूनिफॉर्मिटी इस सिस्टम में आती। लेकिन स्टेट्स ने भी और सेंटर ने भी कहीं ना कहीं, सेंटर ने तो बात रखी क्योंकि हाईकोर्ट का डायरेक्टिव था, तो इस वजह से स्टेट्स ने माना नहीं। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहता है अगर हम स्टेट लेवल से देखेंगे, तो स्टेट्स में जैसे हमारे पास महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ वैट की जो रेट है दैट इज क्वाइट हाई, क्वाइट एग्जॉर्बिटेंट, और कई स्टेट्स है जहां पे ये बहुत कम लगता था। जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा, वी हैव स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, मेघालय चार्जेस जस्ट 20%, इंडोमोन निकोबार चार्जेस 6% वेट, कंट्रेट दैट राजस्थान चार्जेस 36%, कर्नाटका 35%, तेलंगाना चार्जेस 35.20% एंड उड़ीसा चार्जेस 32%। हमारी दिल्ली भी 30 के आसपास चार्ज करती है। सो मुझे बताओ, सेंटर भी इतना चार्ज करता है और स्टेट भी इतना चार्ज करता है, कोई ये कहेगा कि भाई मैं अछूता हूं? दोनों का रोल बराबर है इस टैक्स, इस प्राइस को बढ़ाने में, स्टेट्स का भी इतना रोल है। हाँ, अब कई बार ये कहते हैं कि गवर्नमेंट, सेंटर शुड रिड्यूस द एक्साइज ड्यूटीज, जैसे आजकल कहा जाता है, हालांकि पिछले 10-12 दिन से स्टेबल इसका प्राइस रहा, वो भी वैसे कि क्रूड का प्राइस थोड़ा कम आना शुरू हो गया, लेकिन जब हम देखेंगे एक्साइज कम करे तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू कम होते, पेंडिंग में की वजह से रिक्वायरमेंट हाई हो गई, 80 करोड़ पीपल आर टू बी फेड, स्टेट्स को कम कहते तो वो करने को तैयार नहीं है। इस तरीके से दोनों कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है। आई कैन नॉट से दैट वन इज मोर द अदर इज लेस, नहीं, जब राजस्थान 36% लगाता है और एजिटेशन भी करता है सेंटर की जिम्मेवारी करना 36% काम अपना, तो कम से कम 100 से नीचे तो आ जाएगा, सेंटर क्यों नहीं करती है काम? हाँ, अब सेंटर क्यों नहीं करती दोनों की, देखो सेंटर ने एक्साइज बढ़ाया लास्ट ईयर जी, तो अब एक्साइज जो उसने बढ़ाया तो उस पर
स्वाभाविक तरीके से अगर हम देखो दो तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। एक सोच तो ये है कि शॉर्ट टर्म पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं इसका यूटिलाइजेशन करूं। दूसरा सोच ये है कि अगर मैं कम करूं इससे इन्फ्लेशन कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, चीजों की डिमांड बढ़ेगी, तो मैक्रो इकोनॉमिक सेटअप में लॉन्ग टर्म में देश को भी फायदा हो जाएगा, मुझे भी रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन चूंकि इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो है उनको मीट आउट करने के लिए कई बार गवर्नमेंट्स कहते हैं कि भाई टैक्स हाई कर लिया, तो भाई मेरा मानना यह है कि अगर इसकी जगह ये किसी और रेवेन्यू एस्पेक्ट को लेते, जैसे इंपोर्टेड कार्स है उस पर अगर बढ़ाते हैं, या कोई और चीज होता है जिसपे बढ़ाते इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, बिकॉज इट इज द लाइफ लाइन, यहां से ही इन्फ्लेशन बढ़ती है और यहीं से भी प्राइस बढ़ती है। सबसे बेहतरीन तरीका यही होता कि इसको जीएसटी में लाते, जीएसटी अपोज किया गया, बेस्ट तरीका था। अगर आपने है ना सर, टैक्स स्ट्रक्चर एक मतलब नेशनल टैक्स स्ट्रक्चर आपने कायम किया है और आपको तुरंत इसको, चाहे इसके लिए हंगामी मीटिंग भी बुलानी पड़े, इनको जीएसटी में इसको लाना चाहिए। लेकिन जब हाईकोर्ट ने भी कहा है, केरला हाईकोर्ट ने भी कहा है, और ये अगर मैं आपको एग्जाम्पल देखूंगा केरला का, केरला कहता है कि मेरे 800 करोड़ रुपए निकल जाएंगे, और अब बात करेंगे कर्नाटका की, करीब 700 करोड़ इसके हाथ से निकलेंगे जो रेवेन्यू इसका, तो स्टेट को ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं, उनको जो जीएसटी से फंडिंग होती है तो वो भी तो बढ़ जाती ना। हाँ, अगर इसका प्राइस कम होता उससे इसकी डिमांड बढ़ती और डिमांड से इनका कंपेंसेट होता। ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन जो है, हाँ, ओवरऑल कलेक्शन से, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होता। इमीडिएटली ये चाहते हैं रेवेन्यू हमारे पास आ जाए, एंड दिस द क्विकेस्ट सोर्स। अब कहीं तो अब उसमें कहा गया दिस नॉट द प्रॉपर टाइम, नो डाउट इस समय पेंडेमिक की वजह से कंट्री में एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज मेनीफोल्ड जी, तो इमीडिएटली आपको एक शक्कर मिलता है यहां से, और अगर आप देखेंगे इसका एक एडवर्स इफेक्ट जो है अल्टीमेट, हाँ, जो लॉन्ग टर्म में इकॉनमी में बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। मैं वही बता रहूंगा, जब हम एसबीआई का रिपोर्ट अभी पढ़ेंगे, जो उसने एसबीआई कार्ड के ऊपर एनालिसिस की, उसने की ये पाया, इट इज कटिंग एक्सपेंस ऑफ हेल्थ, इट इज कटिंग एक्सपेंस ऑन ग्रोसरी, जो ग्रोसरी डिस्क्रिशनरी ग्रोसरी है, नॉन डिस्क्रिशनरी, जिसपे हमने खर्चा करना ही करना है, वो इट इज कटिंग डिस्पेंसेबल इनकम, तो खतरा तो इसमें उल्टा आ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जब आ जाएगी तो आपकी सेविंग्स कम हो जाएंगे। सो मुझे कहा जाए, मेरे व्यू पॉइंट से मुझे ये लग रहा कि अगर स्टेट्स आर फीलिंग इट डिफिकल्ट, दैट सेंटर मस्ट कम फॉरवर्ड टू रिड्यूस द एक्साइज ड्यूटी व्हिच इट हैज इंक्रीज्ड, तो दोनों का वैसे रोल तो दोनों का है, लेकिन अगर सोर्स ऑफ रेवेन्यू को देखेंगे तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि बोथ हैव टू बियर दिस क्रंच। एक और चीज है, डिस्पोजेबल इनकम पे डेंट लगना ही होता, ग्रोथ पे डेंट लगना। जब लोगों के पैसे नहीं है, खर्चे के लिए नहीं है, तो ग्रोथ अपने आप में ही विचलित हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पैसा है नहीं, 10-15 से काम चलाओगे, ये नहीं चलेगा। It would have been prudent on the part of the government, give a bit of relief in excise, and it would have helped the middle income group. It would have helped the middle class. Unki grievance bhi dur ho jati, aur saath mein jo disposable income hoti, us pe zyada hai. Haan, states ko bhi isme bear karna chahiye. If you believe that only center should have done it, no, I believe states too should do it, because it is the need. It's the need. आप कई और सोर्सेज से ढूंढो भाई, देर आर मेनी सोर्सेज टू चार्ज, एंड एस्पेशली द क्लास विच कैन बियर शुड बी टैक्स, देर इज नो हार्म इन इट, एंड पीपल आर रेडी टू पे फॉर ऑल दीज थिंग्स, बट व्हाई यू आर टैक्सिंग अ क्लास विच इज ऑन द रेयर साइड ऑफ दिस इकोनॉमी। इसका इम्पैक्ट जो है वो मतलब लॉन्ग ड्रून है और सारे सेक्टर्स पे पड़ता है, जब पेट्रोल में बढ़ोतरी होती है, मतलब गुड्स में के कैरेज में पड़ता है, उसके कॉस्ट में पड़ता है, और
इट इज नॉट ए गुड टैक्सिंग मतलब पॉइंट. ये टैक्स अगर करना है तो किसी और जगह, जैसे आपने बोला, जो प्रोवाइड जो अफोर्ड कर सकते हैं टैक्स, उनको टैक्स कीजिए. आप पेट्रोल को क्यों कर सके, जैसे आपने भी कीमती कारों का जो इम्पोर्ट होती है उन पे टैक्स लगा दीजिए. काफी बहुत सारी चीजें ज्वेलरी पे लगा लो. देयर आर मेनी थिंग्स बट द पॉइंट इज, देखो इससे पहले डिमांड विल क्रम्बल और हमें इस समय जो देश को चाहे वो डिमांड बढ़ाना है. इससे डिमांड पे डायरेक्ट असर होगा. जब डिस्पोजेबल इनकम नहीं तो क्या करेगा वो. दूसरा, लोगों ने जॉब्स खो दी है ड्यू टू पेंडेमिक और उनके पास इस समय रेस्क्यू चाहे उन्हें, उन्हें इस समय थोड़ा सा इनकम बचे कि वो सर्वाइव करें, खड़े हो जाए, तो उस पर असर आ जाएगा. इस समय शार्प डिक्लाइन इन रेवेन्यूज हो जा रहा. सो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इस समय इंस्टेड ऑफ चार्जिंग एक्साइज हायर एग्जॉर्बिटेंट, मैं ये भी कहूंगा एशिया में हमारा सबसे ज्यादा इस समय टैक्स दर है, चाहे स्टेट और सेंटर को मिला के हमें एशिया में सबसे ज्यादा टैक्स हम लगाते क्रूड पे, और क्रूड इज द लाइफ लाइन, इस पे क्यों लगा रहे हो, और सोर्सेस फाइंड आउट करो. Why you are taxing the lifeline? You are trying to crumble the lifeline of the economy. You should have thought of new sources of tax. बेशक अगर आप income tax भी बढ़ाती है, लेकिन यहां से तो कुछ relief देते. Income tax payer किस कितने हैं? आप यहां सारी economy को परेशान कर रहे हैं. So I feel crude में हमारा tax rate बहुत ज्यादा है. अगर मैं आपको बताऊंगा 2014 में जो टोटल टैक्स हमने एक्साइज कलेक्ट किया, दैट वाज 29,279 करोड़. और 2021 के पहले इन मंथ्स में ही, 2021 की बात में कह रहा हूं, उसमें इट्स स्टूड एट 89,575 करोड़. यानी इट हैज मोर देन ग्रोन 3 times. तो ठीक है, मैं ये नहीं कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बढ़ी ड्यू टू पेंडेमिक, इट हैज इंक्रीज्ड, बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट क्रम्बल द लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी. यू शुड हैव थॉट ऑफ अदर. मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं अगर इनकम टैक्स भी बढ़ता, लेकिन इस पे छूट मिलती क्योंकि ये लाइफ लाइन है इकोनॉमी की. जो बहुत से आपका कहना बहुत सही है. जो बहुत हायर ग्रुप ऑफ इनकम है उनको इनकम टैक्स आप बढ़ा सकते हैं. नॉट एग्जैक्टली मिडिल क्लास, क्योंकि उनको वहाँ भी मतलब वो वहाँ भी कंच आएगा, बहुत ज़बरदस्त उनको प्रेशर आएगा. लेकिन जो हायर इनकम ग्रुप्स है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े CEOs है, बड़े बड़े बहुत ज़्यादा इनकम मतलब ग्रुप्स है जिनकी इनकम को आप टैक्स लगा सकते हैं, या ऐसे कॉरपोरेट्स हैं जिनको टैक्स लगा सकते हैं, उनके बिजनेस पे टैक्स लगा सकते हैं. आप 25 वहाँ कर दिया, लेकिन यहाँ गरीब आदमी को मार रहा है. इसमें से वो भी फंस रहा है जिसकी इनकम 10,000 है या 5,000 है. अब 10,000 है इनकम तो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये, कॉस्ट उसे भी देना पड़ रहा है. तो मुझे बताओ, द पोर इज गेटिंग पिंच्ड मोर देन द रिच. अब मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज में छूट करे या स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट कम करे, ऑनेस्टली दे लाइक, but they don't like, they have short term returns in it and they don't want. If they like, matlab main keh raha hu hamari Delhi 30% VAT is pe collect karti hai, agar 30% mein wo 15% kam kare, center bhi 15% kam kare, to jo yahan pe mujhe idea, ye khayal aata hai ki aap bilkul muft bijli mat de do, bilkul muft pani mat de do, aap wahan thoda kuch charge karo, lekin petrol ko aap अपने रेट पे रहने दो, क्योंकि लोगों की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है, जो आपने अभी बोला कि वही खत्म हो रही है, तो डिमांड कैसे बढ़ेगी, मार्केट में बिजनेस कैसे होगा, कैसे लोग जिएंगे. दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, जिन बंदों की नौकरी छूट गई पेंडेमिक की वजह से, जो बंदे इस समय परेशान है, मुझे बताओ आप उन्हें रिलीफ क्या दे रहे हैं. आप एक्साइज बढ़ा रहे हैं, सेस इस पे लगा रहे हैं, और चार्जेस ऑफ द डीलर भी है. तो मुझे बताओ, ठीक है, चार्जेस ऑफ द डीलर, ही इज एंटाइटल्ड टू हिज वर्क, बट आई टेल यू उसका नहीं बढ़ा है, उसका चार्जेस नहीं बढ़ा है.
अब मैं बता रहा हूँ जो जो आपने एक्साइज लगाया और स्टेट ने वैट लगाया, दोनों मिलके आम आदमी पे रूल कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे बताओ 30% दिल्ली गवर्नमेंट इतना कहती है, नहीं तेल के भाव इतने बढ़ गए, अपने 30% कम कर लो ना, और तब आप कहने के लायक होते हो कि भाई दूसरे को कहो भाई आप भी अपना 30 कम करो। सबसे बेस्ट यही था कि इसको जीएसटी में ला से देखिए, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द इकोनॉमिक टर्म्स नाउअडेज। ऑन द वन साइड पीपल वांट टू बी वेरी पॉपुलिस्ट, ऑन द अदर हैंड दे आर क्रशिंग द मेन सोर्स, तो इसमें कैसे हो गई? या तो भाई वो चलेगा या चलेगा। आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यहां से आप डिमांड को खत्म कर रहे हैं, तो हाउ इज इट? टू मी पर्सनली आई बिलीव दैट इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स। यू शुड हैव गिवन एक्स कंसेशन एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग से एनी डोल टू एनी पर्सन, बिजली फ्री की वजह आप 10% इस वैट में ही कम करते हैं, तो आप गरीब आदमी के काम कर रहे थे। अपना खर्चा, अपना राजस्व आपने पूरा रखना है और उसमें बढ़ोतरी करनी है। सर आप बिजली के यूनिट्स के रेट कम कर सकते हैं, लेकिन बिजली का फीस बराबर ले सकते हैं, बिजली मुफ्त देने की बजाय। मैं ये बिजली का आप रखो 400 यूनिट या 500 यूनिट तक इतना रेट है, देना पड़ेगा, मुफ्त मत करो। इसलिए पानी का भी ऐसे रेट करो, बट यू आर सब्ट्रैक्टिंग। इसको कहते अच्छा वन कशिर पटन मन को खबर तथ्या मनो राध छटन तो क्या शांत जेठन, वो इकोनॉमी कर रहे हैं। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, इट्स इन इंग्लिश, इसका इंग्लिश वही होगा इसका। पेनी वाइज पाउंड फुलिश। आपने कहा स्कूल बसेस भी, स्कूल बसेस फ्री, आपने कह दिया लेडीज के लिए ट्रैवल फ्री, आपने कह दिया कि भाई बिजली फ्री, आपने कह दिया पानी फ्री, यहाँ से हर चीज पे, यहाँ से आपने यही वैट था 23%, अब आपने ये 30% तक पहुंचाया, तो मुझे बताओ सभी चीजों में बढ़ा दिया, वैट से तो बढ़ी गया, नेचुरली आपने क्या कंसेशन किया? इकोनॉमी को भी रुइन किया और साथ में मुफ्त की आदत भी डाल दी। सो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है। और मुझे राजस्थान, सर राजस्थान और बाकी स्टेट्स में मैंने देखा है बिजली इतनी महंगी है वहां पे, और उसके बाद वैट भी ज्यादा, 36% आप ही बोल रहे हैं कि राजस्थान में है, तो दोनों तरफ से लूट रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा राजस्थान में हर कोई चीज महंगी है, बिजली सबसे ज्यादा। उसमें उन्होंने पानी का बिल भी, जहाँ पानी भी नहीं है ना सर, जहाँ पानी दे नहीं रहे हैं, जहाँ पानी मतलब अभी राजस्थान में जयपुर में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ गवर्नमेंट का पानी नहीं है, लेकिन उसमें पानी का ये टैक्स भी लगाया है, 268 रुपीज पर बिल उसमें पानी का टैक्स आ जाता है, पानी है ही नहीं। मैं आपको बताऊंगा पानी है नहीं, टैक्स आता है, टैक्स आता है। बात में आता हूँ, टैक्स देने में भी लोग कतराएंगे नहीं। आप देखें सड़कों की हालत क्या है, आपने देखा ही सड़कों की हालत क्या है। अगर ये सड़कों की हालत है फिर इसीलिए तो टैक्स पेयर लॉ अबाइडिंग होते हुए भी वो लॉ को चीट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप चाहे मेरी ठाट बराबर रहे, मुझे बताओ एमपीओं की सैलरी कब कम हुई, एमएलएज की सैलरी कब कम हुई? उस समय यूनानियस में सभी डिसाइड करते हैं, नहीं उसमें चाहे अपोजिशन होता चाहे गवर्नमेंट होता, दोनों कहते नहीं नहीं सैलरी बढ़नी चाहिए, उसको तो चाय का कप मिलेगा अब भी 1 रुपया में, तो बाकियों को मिले 10 रुपए में। ये फंड भी इतना इंक्रीज हो रहा है, हो गया है कि मतलब उसका नतीजा भी देखो ना, हमारा ही जयनगर कहाँ पे कैसे यहाँ पे मतलब पानी भर गया और कैसे लोग परेशान हो गए, मतलब ये नहीं देखा जाता। आपकी दिल्ली की सारी सड़कें ऐसे ही फटी हुई है। मैं वही कह रहा, दिल्ली की सड़कें देखो कैसे है। सो एज ए कॉमन मैन व्हाट इज द फन ऑफ ऑल दिस। अच्छा एक और बात भी मैं आपको बताऊंगा, नो डाउट पेंडेमिक की वजह से, मैं पहले ही कहा आपसे, वैसे दोनों इसमें बराबर के जिम्मेवार है। अब पेंडेमिक की वजह से सेंटर को तकरीबन कंपेयर टू स्टेट्स कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी ज्यादा, जैसे फूड सिक्योरिटी, जैसे उन्होंने ये कोविड इंजेक्शन, मतलब दे हैव ऑलरेडी एम्प्लॉयड मोर देन 50 करोड़ इंजेक्शंस, तो ये रीजन इज बीइंग पुट फॉरवर्ड। या वैट हाई है महाराष्ट्र तेलंगाना में, अब उनको क्या एडिशनल काम पड़ गई? अगर आप नेशनल लेवल पे भी देखेंगे एवरेज निकाल के,
ये वैट पड़ता 23 रुपए पर लीटर एवरेज के में। अब एक स्टेट मैंने अभी आपको कही जो जो लेस देन जो मेघालय है ये 20% चार्ज करता है और वहां ही तेलंगाना 35% करता, ना सड़के ना कुछ, वहां ही आप मान लीजिए। एक ऐसी सहमति हो सकती है क्या कि स्टेट और सेंटर जो है एक यूनानिमस वैट और यूनानिमस ये हो जाए फिलहाल अगर ये जीएसटी दैट वाज द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म रेट लगती, एक तो यूनिफॉर्म रेट लगती, दूसरा उस रेट से वैट में जो जीएसटी में हाईएस्ट है हाईएस्ट स्लैब है वो 28%, तो 28% काम 60 रुपए दे रहे हैं दोनों को मिला के, हम करीब 60 रुपए देते हैं टैक्स में, तो वो 28 रुपए पे आता है, तो दोनों का फायदा रहता है और लोअर टैक्स रेट होती। तो ये चीज मुझे लग रहा है कि इस समय इसलिए कहा गया शायद कि टाइम प्रॉपर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इज गिविंग वेरियस फैसिलिटीज फॉर कोविड प्रॉब्लम, इट इज इट्स एक्सपेंडिचर ड्यू टू कोविड हैज इंक्रीज्ड, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा पॉपुलिज्म के आड़ में भी इकोनॉमी खराब हो रही है। सर मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और हमारा दूसरा जो टॉपिक है आज का उसकी बारी आएगी, क्योंकि हम इसको टाइम अपना दे गए हैं। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर वापस मिलते हैं। वेलकम बैक। हमारे देश का संविधान जो है वो इक्वलिटी की बात करता है, उसमें सारे जितने भी हम नागरिक हैं हम इक्वल है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम बारीकी से देखते हैं तो कुछ आर्टिकल्स हैं जिनकी वजह से एक तरीके से अभी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ही अजीब तरीके से ठगे हुए से महसूस हो रहा है, उनको ठगा हुआ सा महसूस हो रहा है। जैसे अन्य लोग जो है धार्मिक इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं या धार्मिक तालीम जो है अपने इंस्टीट्यूशन में दे सकते हैं, तो हमको अलाउड नहीं है, जो मेजॉरिटी है उसको अलाउड नहीं है। इसी प्रकार से जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, मंदिर हैं, उनके जो ट्रस्ट बनते हैं, बड़े बड़े चढ़ावे जहाँ चढ़ते हैं वहाँ वो ट्रस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल में आ जाते हैं, वहाँ से जो आमदनी आती है वो गवर्नमेंट उसका बहुत बड़ा हिस्सा ले जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये डेवलपमेंट में हम लगाएंगे। ठीक है, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन ये खास कम्युनिटी का वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, उस कम्युनिटी को क्या ये पैसा जाता है, उसके हित में जाता है, उसके बच्चे जो है उसका फायदा उठा सकते हैं, वो उनके कम्युनिटी उस कम्युनिटी में जो सबसे गरीब हैं उनको वो पैसा जाता है। और इसके लिए लड़ाइयां भी लोग लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस बात को आज विस्तार से डॉक्टर एम के भट्ट के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। भट्ट साहब, आप बताइए कि जो ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मतलब जैसे आप धार्मिक एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, जैसे आपके जितने भी धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, या गवर्नमेंट के उसके ट्रस्ट में चेयरपर्सन वो गवर्नमेंट के मतलब चुने हुए होते हैं, तो अगर ये प्राइवेट ही रहेगा उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर फिर एम्बेजलमेंट होते हैं। तो एक ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए सारे संस्थानों को देखने, धार्मिक जितने भी संस्थान हैं उनको देखने के लिए
लेकिन उनको स्वायत्ता होनी चाहिए। तो उसमें जो है मेजॉरिटी के जो संस्थान है उनको भी स्वायत्ता अपनी होनी चाहिए। तो इसमें हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं जो गवर्नमेंट? हाँ, पहले तो इसमें एक स्पष्ट बात जो है कि इसमें कैस्टिगेटिंग ऑफ वन कम्युनिटी है। भाई मेरा पैसा है, आप उसे कहते हैं डेवलपमेंट के लिए है, दूसरा का पैसा है उसे कहते हैं ये अपने डेवलपमेंट पे लगाओ, ये कोई मान तर्क संगत बात नहीं है। लेकिन तीन चीजों पे मैं इस पे बात करूंगा आपके इस पर। एक तो इसकी हिस्ट्री, जब हम देखेंगे हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1959 में बना, एप्लीकेबल टू तमिलनाडु, जिसने इंटरफियरेंस इन द हिंदू टेम्पल्स शुरुआत की। अब फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर हमारे नरसिम्हा राव जी ने फ्रीज किया ऑन स्पेशल लॉ टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप 15 अगस्त, जो स्टेटस क्यू 15 अगस्त 1947 को था, ये नरसिम्हा राव जी ने 1991 में कर लिया। लेकिन क्वेश्चन यहां ये आता है कि मेरा इंस्टीट्यूशन, मेरा फंडिंग और मेरे इंस्टीट्यूशन में मुझे कोई अवकात नहीं है। अब मैं आपको इसको तीन तरीकों से बता दूंगा। ये तो मैंने हिस्टोरिकल पस मंजर बनाया, इस हिस्टोरिकल पस मंजर में मैं एक को ही नहीं मानता हूं। अगर कांग्रेस ने यह किया, अब वाले क्यों नहीं उसको चेंज करते? द कंट्री डिमांड्स इट, वी हैव सेंट देम फॉर रेक्टिफाइंग थिंग्स। अगर कुछ गलत हो चुका है तो व्हाई दे आर नॉट रेक्टिफाइंग? अब मैं इसमें ही बात करूंगा आपको। अब देख लीजिए, पहले एक मैं तीन संस्थानों की ही बात करूंगा आपको। त्रिपुति देवस्थानम, करीब 1200 करोड़ से ज्यादा का बजट इसका है जो डोनेशन चढ़ता है, और 157 कंट्रीज की करेंसी चढ़ती है इसमें। और आप देख लीजिए, ये ट्रस्ट के अंदर है, और इसमें जो चेयरमैन बनाया गया माननीय मुख्यमंत्री जी का मामा जी को बनाया गया, और वो है YV सुब्बाराव रेड्डी। और ये शक ही आज तक कि वो क्रिश्चियन है कि हिंदू है, क्योंकि जगन्नाथ रेड्डी के पिताजी ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया था। अब मुझे बताओ, पहला ये शक, ये प्रेस में भी ये बात आ चुकी, नो वन इज क्लियर वेदर ही इज हिंदू और नॉट, दो फॉर द सेक ऑफ सीट ही में से आई एम डिवोट हिंदू, बट व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हिंदुइज्म, पहला मैं क्वेश्चन ये करूंगा। अच्छा, फिर इनके प्रिटेक्स्ट में आपको मैं बताऊंगा, सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ मंदिर गुजरात, टोटल 8 ट्रस्टीज होते हैं, 4 स्टेट के होते हैं, 4 सेंटर के होते हैं। मुझे बताओ हिंदू कहां बीच में रहा? स्टेट में कोई मुख्यमंत्री आ जाए, सेंटर में कोई आ जाए, सो वेयर इज द हिंदू? दैट इज टू बी क्वेश्चन। और तमाम बड़े पॉलिटिशियंस है, बड़े बिजनेसमैन है, तो 4 आर नॉमिनेटेड बाय सेंटर, 4 बाय स्टेट। मुझे बताओ हिंदू इसमें कहां? अब हमारी स्टेट का जो मान्य स्थान है उसमें वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988, आप इसमें देख लीजिए, उसने कह दिया इफ द गवर्नर इज हिंदू ही कैन नॉमिनेट पर्सन, इफ इज अ मुस्लिम ही कैन नॉमिनेट एनीवन। तो इफ द गवर्नर विल बी हिंदू, ही विल बी द चेयरमैन। अगर मुस्लिम होगा वो किसको नॉमिनेट करेगा? बट इस एक्ट बहुत अच्छा बनाया, बट आप इसमें देख लीजिए मेंबर्स का नाम मैं पूछ रहा हूं। एक तो मनोज सिन्हा जी चेयरमैन रहे, श्री श्री रविशंकर, चलो हिंदू आइडियोलॉजी से है कहीं ना कहीं, बाकियों का मुझे बता देना हिंदू आइडियोलॉजी से कहां पे है। एक है अशोक बान, एक है जस्टिस प्रमोद कोहली, मेजर जनरल शिव कुमार शर्मा, KB कचरू, विजयधर, KK शर्मा, CO रमेश कुमार, IAS। मुझे बताओ आज में हिंदू एक का, हालांकि एक्ट सेज टू डिस्टिंग्विश्ड पर्संस इन द आईज ऑफ गवर्नर who have contributed to Hindu thought. अब इनमें से रविशंकर, श्री रविशंकर को छोड़ के मुझे बताओ किसने कंट्रीब्यूट किया? और दूसरा है, टू डिस्टिंग्विश्ड वुमन्स भी है इसमें, एक्ट कहता है, ये श्राइन बोर्ड एक्ट कहता है टू डिस्टिंग्विश्ड वुमन्स who are distinguished in the eyes of the governor, यानी गवर्नर अपने लोगों को रखेगा, बाकियों को नमस्ते। अच्छा, टू एमिनेंट हिंदूज ऑफ J&K, अब मुझे बताओ इनमें से, आप भी J&K के रहने वाले हैं, इनमें से किसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हिंदुइज्म है? एक बंदा वो है श्री श्री रविशंकर, उसको छोड़ के मुझे बताओ किसका कंट्रीब्यूशन है?
three persons who are distinguished in the field of administration, legal matters, ye bhi rakho. अब मुझे बताओ ये ला तब बना था जब लोगों में होश आ गई थी, इसमें इतनी त्रुटियां हैं. अब बताओ हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू हिंदू कल्चर, हिंदू आइडियोलॉजी, इनमें से तो मुझे श्री श्री रविशंकर जी को छोड़कर. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ. What the hell is government doing? Why are they interfering in the religious matters of shrine boards? What is their business? मैं वही बात आपको अब तीसरे फेज में बताना चाहता हूँ. किसको बनाया, किसको नहीं बनाया, वो मेरे प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम ये है कि हिंदू का जो श्राइन बोर्ड है या हिंदू का जो ट्रस्ट है या हिंदू प्रॉपर्टीज जो है या टेम्पल्स है या कुछ है, ज्यादा से ज्यादा उसका इतना रोल हो सकता है कि अगर कोई आर्बिट्रेशन के लिए गवर्नमेंट के पास आता है वहां पे वो इंसाफ करेंगे या कुछ करेंगे. लेकिन ये ट्रस्ट जो है ये चलाया जाना चाहिए जो कि ट्रस्टीज खुद बनाएंगे, जो कि वो टेम्पल का ट्रस्टी एक बॉडी होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट नहीं बनाए, उनको गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करना चाहिए. ये मैंने कहा, मैं आपसे पहले ही अर्ज किया, मैं तीन स्टेज में बताऊंगा. एक मैंने बताया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरा मैंने बताया कि ये क्या हो रहा, अब कैसे लोग अपॉइंट हो रहे, यानी पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस. अब ये कोई रिलीजियस बंदे नहीं है, इनमें से कई मैं कईयों की बिजनेस देखता हूं जो कि वाइन शुरू करने के बगैर कुछ नहीं है. मैं श्राइन बोर्ड की बात कर रहा हूं, जो होटल के बगैर उन्हें पता ही नहीं कुछ, या किसी का डीपीएस पब्लिक स्कूल है तो बस इतना ही है कंट्रीब्यूशन. टुवर्ड्स हिंदू थॉट कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, आई टेल यू वेरी फ्रेंकली. अब मुझे एक बात बताइए, ये दूसरा मैंने बताया आचरण है क्या, अब मैं बता रहा हूं तीसरे पार्ट जो उसमें आप हमें मिसयूटिलाइज कैसे किया जाता है. अब मुझे बताओ हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट तमिलनाडु में बनाया गया, इसके अंदर है 44,121 टेम्पल्स. 44,000 आप याद रख लेना, 44,121 टेम्पल्स है, और इनमें से 37,000 टेम्पल्स ऐसे है जिन्हें पुजारी रखने के लिए भी आमदनी है. अब अगर गवर्नमेंट ने कर्म किया तो क्या किया, अच्छा जो ताला लगने के कगार पे है 11,999 जो है वो एक टाइम की पूजा अफोर्ड नहीं कर पाते, और उसके ऊपर 7,000 ऐसे है जो ठीक ठाक चल रहे हैं. लेकिन 7,000 में जो चैरिटेबल डिपार्टमेंट बना है उसकी सैलरी भी उन्हीं को देनी है. अब एक और मुसीबत हो गया, एक तो मैं मुझसे टैक्स, दूसरा तुम्हारी सैलरी भी मेरे फंड से जाएगी. तीसरा मैं आपको बताऊंगा, 1,000 ऐसे टेम्पल्स है विच हैव सरप्लस इन द नेम ऑफ द डीटी इन द बैंक्स. 1,000 टेम्पल्स ऐसे है. पेटिशन, ये पेटिशन का उत्तर आया तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से, जो हाईकोर्ट में पेटिशन किया था, ये किया था आर गोपाल जी ने, पब्लिशर जो तमिल डेली के है, तो उसके कहने पे ये पेटिशन हमें मिले. 8% ऑफ इनकम ऑफ दी 7,000 टेम्पल्स विच इज बीइंग स्पेंट एज सैलरी. अब मैं इसका उत्तर दूंगा, इनकम कितनी है. अब माता वैष्णो देवी की बात करेंगे, माता वैष्णो देवी में 2000 से 2020 तक गोल्ड जो उनकी साइट पे मैंने देखा, 1800 किलोग्राम ऑफ गोल्ड चढ़ा हुआ आया, और 4,700 किलोग्राम ऑफ सिल्वर आया, 2,000 करोड़ कैश में आ गया. अब मुझे बताओ इतने बड़े ट्रस्ट है, इतनी इनकम है, इनसे पैसे लिया जाता है, लेकिन दूसरा मंदिर है उसमें ताला लगा है, उस पर कोई खर्चा नहीं होना चाहिए. ये तो डेवलपमेंट, ये कैसी डेवलपमेंट है भाई. डेवलपमेंट अगर है ठीक है, डेवलपमेंट इज अ गुड थिंग, बट देन यू शुड टैक्स द मॉस्क, जामा मस्जिद पे भी लगाओ, तब आप गुरुद्वारे पे भी लगाओ, तब आप कोई भी धर्म स्थान हो, चर्च हो, उस पर भी लगाओ. वाई ओनली हिंदूज विल बी दी. अब मुझे बताओ जिस दिन ये 37,000 टेम्पल्स बंद हो जाएंगे, लोगों की आस्था का सवाल छोड़िए आप, कम से कम 37,000 लोगों का रोटी रोजी छूट गया, तो क्या फायदा है इसे गवर्नमेंट के अंदर लेने में. और दूसरी बात, जब एक टाइम पूजा का खर्चा नहीं वो उठा पा रहे, और वाई हिंदूज ओनली, द क्वेश्चन इज वाई हिंदूज ओनली. जितना पैसा आ रहा त्रिपति देवस्थानम से, वैष्णो देवी माता मंदिर से, व्हाई इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी,
Why should the government put its nose into it? That's the question which every Hindu wants to ask. एक बहुत बड़ा सवाल पैदा किया है, मतलब पूछा है बुक्की साहब ने कि यही श्राइन था वैष्णो देवी जी का, और वहाँ पे शायद इतनी ही इनकम आ रही थी या इसे कम आ रही होगी थोड़ी, लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा था तब भी। लेकिन जगमोहन जी ने जब इसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया उसके बाद ही वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। सो इट इज ओनली आफ्टर गवर्नमेंट टू देखिए सर, मैं ये बात बताऊं, पहले आप जब डेवलपमेंट देखेंगे, मैं ये नहीं कहता वो डेवलपमेंट नहीं करते है, लेकिन जब आप देखेंगे इनकम के रेशियो से देखिए, 1800 किलो सोना कम भी नहीं होता है, और आप कहेंगे कि भाई वो क्या बनाया, छज्जा बनाया, तो बस इसमें उनका एक प्रश्न ये है, उनका ये प्रश्न है कि जो जितने भी प्राइवेट ट्रस्ट ऑफ हिंदूज हैं, हाँ, वो निकम्मे हैं, उनको जो है गवर्नेंस नहीं आती है और वो अपना ट्रस्ट गवर्न नहीं कर पा रहे। मैं शायद गवर्नमेंट करता है, एक बात बताऊं, वी आर रीलिंग अंडर अ रिग्रेस्ड सप्रेशन ऑफ इंफीरियोरिटी। क्या बाकी धर्मों में गलत चीजें नहीं हो रही है? मुझे बताओ कौन सा जो ईद के दिन कितना चढ़ावा आता है आपको पता नहीं है? आप भी तो उसी इलाके से हैं, और फिर वो सब ठीक ठाक चल रहा है। या तो बनाओ, और गवर्नमेंट क्यों देखे मेरे अंदर क्या कमी है? गवर्नमेंट ये क्यों नहीं देखे कि सभी में क्या कमी है? व्हाई इट इज ओनली मी? व्हाई शुड आई फाइंड फॉल्ट विद माई सेल्फ? व्हाई शुड नॉट आई फॉल्ट विद द सिस्टम? भाई अगर आपने, मैं अब आपने वैष्णो देवी श्राइन की बात की, अगर आपने कहा शुड बी अ पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड टू हिंदू थॉट, तो किसने इसमें, मैंने एक नाम को छोड़ के, चलो गवर्नर साहब मान्य है सभी को, उसको नाम छोड़ो और श्री श्री रविशंकर का नाम छोड़ो, बाकी का बताओ मुझे किसका है? आई वॉज रीडिंग देयर बायोडाटा। कोई तो वाइन का डिप्लोमा करके बैठा होटलियर है, तो पैसे वाला है तो बन गया ये, और कितना टाइम दे पाता होगा? एक ही उम्र 80 साल हो गई, स्कूल चलाता है, बैठ जाओ ना अपने स्कूल में, 80 साल की उम्र में कितना टाइम दे पाता होगा भगवान जाने। तो ये आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बट दिस इज क्रोनिज्म एंड व्हाई वी शुड बियर दिस। व्हाई अब मुझे बताओ, सोमनाथ टेम्पल में 4 स्टेट करता है, 4 सेंटर। आज ठीक है जगमोहन जी, ठीक है उसने अच्छे मेंबर बनाए, लेकिन मेंबर बदलते भी तो रहते हैं, कल कोई और आ गया उल्टा सीधा आदमी, वो साइफन फंड्स करेगा। कांग्रेस का भी देख लीजिए ना, उन दिनों कौन से लोग थे उसमें, मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखो लोग बदलते रहेंगे, लेकिन व्हाई शुड वी। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसे जितने भी ट्रस्ट हैं या जितने भी श्राइन बोर्ड है या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें रखती भी है ख्याल, लेकिन उनको जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी मेंबर्स और जो भी पद अधिकारी उसमें बनाए जाएंगे वो रिलीजियस उसी रिलीजन के प्रमोशन में लगे हुए लोग हों और उस रिलीजन को प्रमोट करने वाले लोग हों। ये यहाँ पे लेजर स्फीयर कोई शोभा, हमको डेकोरेशन के लिए लोग नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे लोग चाहिए जो कि रिलीजियस प्रमोशन करते हों और उस रिलीजन की, उस रिलीजियस कम्युनिटी को फायदा पहुंचाते हैं। अब मुझे एक बात, आपको मैं आपको एक बात बताऊंगा, सुब्बाराव जी को बनाया गया चेयरमैन, किसका, त्रिपुति का, और वहां लैंड ग्रैबिंग हो रही है, मुख्यमंत्री का मामा जी है इसलिए वो वहां बैठा हुआ, तो मुझे बताओ ये एक्ट शुड बी पुट इन द डस्टबिन। एंड व्हाई ओनली हिंदू, द क्वेश्चन इज व्हाई ओनली हिंदू? भाई हमारे ऊपर ही सारी डेवलपमेंट का टीका क्यों फोड़ रहे लोग बाग? वो 4 गलत थे। कोई सिस्टम आप बनाते हैं सारी संस्थाओं के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, जब थ्रू आउट इंडिया के लिए आप एजुकेशन सिस्टम में UGC बना सकते हैं, NCERT बना सकते हैं, तो एक संस्था बनाते हैं एमिनेंट पीपलों की, भाई ये सिलेक्ट करे थ्रू प्रोसेस से वो जाए। अब वो कहता है कि मतलब वन चीफ मिनिस्टर वॉज सेइंग कि देयर इज नो प्लेस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पुजारीज, हम किसको लोन देंगे, ये ड्रामे नहीं चलेंगे भाई। बात सीधी बात करो, अगर डेवलपमेंट है ये हिंदू के लिए ही क्यों है? हाँ हमारे अंदर बहुत सारे गुण अवगुण है, लेकिन वो हर इंसान में अवगुण होते, अवगुण को रोकना ही तो गवर्नमेंट का काम है। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए सभी संस्थाओं की, जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाए, तो देयर विल बी नो ऑब्जेक्शन। व्हाई ओनली हिंदू संस्थान? और उनकी लैंड बेची जा रही है, उस पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं, तो why, who will be responsible for all these things?
तो गवर्नमेंट पर्टिनेंट बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट है, बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जी। हाँ मैं सही बात, एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया, नई गवर्नमेंट को भी इसमें दखल देना पड़ेगा, अगर नहीं देती तो हमारे लिए फिर एक जैसी होगी। एज ए हिंदू आई फील इंसल्टेड व्हेन आई सी दैट काशी विश्वनाथ टेम्पल विच वॉज वंस डिशेप्ड बाय फॉरेन इन्वेडर, हमें ये बेचा गया, ये ज्ञानव्यापी मस्जिद है। ज्ञानव्यापी कहां से हो गई भाई, काशी विश्वनाथ टेम्पल था बिफोर द इनकमिंग ऑफ द इन्वेडर, और अगर किसी ने फ्रीज किया तो वो उसका नजरिया था, हमारा नजरिया तो नहीं है फ्रीज करना, हमारा तो भाई भगवान का स्थान है, हमारे पास कृष्ण जन्मभूमि है, आप उसे कहोगे भाई ये दरगाह है, हाउ इज इट पॉसिबल, लेट इट द कोर्ट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल फ्रीज दिस थिंग। आज तक क्यों नहीं फ्रीज किया, अब ये जा गया तो फ्रीज किया, तो इन लोगों ने क्या किया, दे शुड डिफ्रीज इट भाई, गवर्नमेंट शुड पास अ लॉ डिफ्रीज इट, लेट द कोर्ट डिसाइड, कोई किसी के अपने अपने व्यू नहीं ठोक रहा, लेट द कोर्ट डिसाइड व्हाट इज इन डेप्थ। दूसरी बात यह है एक तो ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, दूसरी बात यह है कि मतलब जो एजुकेशनल सिलेबस में मतलब एक धर्म को पढ़ाया जाता है दूसरे को नहीं, ये है क्या नाम परमिशन है, एक आर्टिकल 30 आप कॉन्स्टिट्यूशन का बता रहे हैं 38, आप मुझे बताइए हालांकि इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए, यू आर एंटाइटल्ड टू ओपन ए मदरसा, यू आर ओपन एंटाइटल्ड टू ओपन ए क्रिश्चियन स्कूल, यू आर एंटाइटल्ड टू ओपन ए माइनॉरिटी स्कूल, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू ओपन ए स्कूल विच विल बी होली ऑन हिंदुइज्म। आपने इस संस्कृति की रूह को ही बाहर कर लिया, 80% लोगों को अपना कल्चर प्रोपगेट करने का हक नहीं दे रहे हो, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों कोई माने, 80% लोग ये कहेंगे कि भाई हम नहीं मानते ये चीजें, तब थे अनपढ़ लोग, अब तो लोग होशियार होते जा रहे, दे विल से व्हाई शुड वी, भाई हमारी बात तो करना सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। बाय द वे आपको बताऊंगा, मैं आज इसी चर्चा में एक और बात बताना चाहता हूँ शाह साहब आपसे, एक अजीब बात, एक जो मैं ट्रस्टीज का सीवी देख रहा था माता वैष्णो देवी ट्रस्टी के, वो एक ऐसे स्कूल का मालिक है जिस स्कूल की वेबसाइट पे लिखा हुआ है सेक्युलर स्कूल, ये मैंने पहली बार लाइफ में देखा, मैंने आज तक ये नहीं देखा था स्कूल के सामने भी सेक्युलर स्कूल होता है। अब मुझे बताए ऐसी सोच वालों को अब मंदिरों की कमेटियों में रखेंगे, उनका सोच कैसे होगा, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी बट दिस इज अ रियलिटी। हम अपना एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं प्रोपेगेट हमें करने देंगे। अब अगर भाजपा वाले कहते हैं भाई ये पहले हो चुका क्या मतलब है, तुम किस लिए पार्लियामेंट में गए हो, डिफ्रीज द थिंग्स, वट एवर इज फ्रीज डिफ्रीज इट, मेक इट पर्टिनेंट फॉर द कॉमन मैन, ये कोई बात नहीं, ये कोई तर्क संगत नहीं है कि भाई 1959 में रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बनाया तो इसे चेंज ना करो, क्यों ना करें, ये इधर ट्रीट एवरी वन इक्वली भाई, हर किसी पे टैक्स लगाओ, जिसकी एक इनकम 10 लाख से ऊपर है सभी पे लगाओ, ये नहीं कि इंडियन प्रेस की तरह भाई वो देखो हिंदू देखा तो भाई इसके धर्म में ये देखो सब गलतियां है, वहां उनका जो भी रिलीजियस पर्सन होता है वो गलती होता है और दूसरे धर्म में सब दूध के दुले होते हैं, तो ये कहां के तर्क संगत है, दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। सो कोई पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू मेक, जो हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है वो किसी कालखंड में चाहे उन्हें मतलब डिफॉर्म किया गया या उन पे कब्जा किया गया, अगर आज का लड़का ये कहता कि ये मेरा है, मेरा था, मुझसे छीना गया जबरदस्ती, क्या गलत कह रहा हूं। बुद्धगी साहब प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो सारे टेम्पल जो कश्मीर के धर्मार्थ ट्रस्ट को इसलिए दिए गए क्योंकि जो केपी ट्रस्ट है वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, वो बहुत पुरानी बात है, इट इज नॉट फैक्टुअली करेक्ट। और आज की डेट में आप देख लीजिए, आई वॉज टूडे in one such meeting of Kashmiris, तो मैं आपको बताऊंगा जितने आस्था पे लोगों ने खर्चा किया, धर्मार्थ तो लैंड तक बेच पाया था, और इन सालों में जितना भी मतलब लोगों ने अपने, आज मैं एक ट्रस्ट का ये देख रहा था, they were nominating their new team, I was seeing the Sharda Trust of Kashmir, of Bandipura Kashmir,
बिल्कुल खुशी से भगवान के सामने आस्था में लीन होके उन्हें ओथ ले लिया कि विदाउट प्रेजुडिस वी विल डू थिंग्स। और मुझे बताइए, विस्थापित होने के बावजूद भी जम्मू में भी और कश्मीर में भी दोनों जगहों पे मंदिर उन्हें खड़े किए, तो क्या चोरी की? अब मुझे बताओ इसमें कौन सा चोरी, कौन सा एड गवर्नमेंट ने दिया? तो धर्मार्थ की बात छोड़िए, आज की डेट में जो भी कश्मीर में टेम्पल बन रहा है, कश्मीरी पंडित स्वयं उसके लिए पैसा दे रहा है और उसके लिए अच्छा मैनेज, अच्छे से मैनेज करा। और बाहर भी जितने ट्रस्ट बनाए हमने और अपने मंदिर का रेप्लिका बनाया, बहुत सी जगह पे रेप्लिका बनाया और बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। ये खीर भवानी बन गया जम्मू में, तो क्या अच्छा नहीं चल रहा? तो ऐसा कुछ मुझे नहीं। जुच्ची साहब जो है, विनोद जुच्ची साहब आपका बहुत ये कर रहे हैं, सहमति कर रहे हैं इसमें। और board is must but should not be under the government control and all the donations should be expended for Hindu cause. Deccan Hindu temples are really made scapegoats. Their revenue used for state and government purpose and welfare of other committees. ये बिल्कुल सही ने कहा, actually correct statement है. It is being used for other communities now. और दूसरा इसमें एक बड़ी चीज जो है, जहां पे एक गांव में एक टेम्पल था, ये आस्था का स्थान था, मैंने देखा कि वो टेम्पल चलाने के लिए कोई रहा नहीं, तो खत्म का आस्था आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही हो जाएगी, तो ठीक है नमस्ते हो गया, तो फिर चढ़ा दो उस पर, चाहे मॉस्क चढ़ाओ चाहे चर्च का झंडा चढ़ाओ, जैसे आजकल आंध्र प्रदेश में चढ़ रहे हैं, कई वीडियोज पब्लिक डोमेन में भी है। सो एक ट्रस्ट बने, एक मिनट, इन्हें विनोद जी ने बड़ी अच्छी बात बताई तो मुझे अच्छी लगी, एक ट्रस्ट हो, रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट, नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस, ऑटोनोमस हो, और दे शुड मेक सर्टेन क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द ट्रस्टीज मेंबर्स के लिए, वो कुछ बनाए अपना क्राइटेरिया, भाई इसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि वो दिन भर शराब पीता शाम को बनेगा ट्रस्टी, कम से कम कोई पैसे वाला है, कोई अथीस्ट जो है ऐसे कोई क्रिश्चियन ना घुसे। सुभा राव के बारे में तो लोग कहते हैं क्रिश्चियन है, ही इज अ प्रैक्टाइजिंग क्रिश्चियन, इट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न, इफ यू रियली बिलीव इन इंक्लूसिव कम्युनिटी, इंक्लूसिव कंट्री, जिसमें सारी फेथ, लेकिन फिर सारी फेथ को बराबर मानो, जो एक फेथ के साथ आपका व्यवहार है वही दूसरे फेथ के साथ भी रखो, और ये मेरे ख्याल में ना जैसा, सिंपल जैसा है भाई, जिस ट्रस्ट का इनकम 10 लाख से ऊपर है वो भाई इस इन नॉर्म्स में आना चाहिए, बट ठीक है उस पर टैक्स भी लगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी पे, ये नहीं हिंदू पे टैक्स लगेगा बाकी पे नहीं, ये क्या बात हो गई? Absolutely. समय आ गया जो कि बहुत ही अच्छे से फलते फूलते करोड़ों की इनकम जिनकी है उनको टैक्स नहीं लगता है, और यहाँ पे जो 10 लाख से ऊपर है उसको टैक्स देना पड़ता है एक कम्युनिटी में। तो ये हमने एक ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं सर, और हमारे पास बहुत कम टाइम है। We have 78 minutes, डॉक्टर साहब कुल अब हमारे पास 6-7 मिनट कुल बचे हुए हैं, और हमारा जो लास्ट का टॉपिक है वो है अफगानिस्तान में तालिबान और उसके बाद हकानी और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें जो टेररिस्ट हैं उनको अब रिकॉग्निशन दिलाना है कि ये जो है बहुत ही अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान जो है कहीं अपने बैकयार्ड में जो है स्नेक्स पाल रहा है, क्योंकि इसको डसेंगे ज़रूर, क्यों डसेंगे उसका भी एक रीज़न आ जाएगा और सब देखेंगे, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। इस बात को हम एक मुख्तसर तरीके से इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब,
जो पाकिस्तान ने पिछले 30-40 वर्षों से टेररिज्म का खेल, बहुत उससे भी पहले टेररिज्म का खेल शुरू किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? कि वो तो अब बहुत सीना ठोक के बताते हैं हमारे 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 लोग हैं, या तालिबान हमारा है, हकानी हमारा है, हमने इनको बनाया है, हमको रूस को हराना था वहां से और अमेरिका ने पैसा दिया, वो पैसा हमने यूटिलाइज किया इनको बनाने में, और आज फिर इन्फ्लक्स ऑफ जो पश्तूनस हैं और जो अफगान्स है वो आज फिर जो है पाकिस्तान में आ रहे हैं रिफ्यूजी बन के, और उन रिफ्यूजीज में से जो लोग होंगे उनको बेचारों को खाने पीने की दिक्कत होगी, और उनको फिर इसी मुजाहिदीन और इसी तालिबान और इसी चीज़ में ट्रेन किया जाएगा, और उनको दुनिया के कोने कोने में भेजने की मतलब फिराक में पाकिस्तान रहेगा, और शायद ये लोग ही वापस इसको उखाड़ने में लग जाएंगे। ये बहुत ही गंदा खेल नहीं खेल रहा है पाकिस्तान? एक दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहला तो असर आना शुरू हो गया जब न्यूजीलैंड ने अपनी क्रिकेट टीम को वापस बुलाया, तो दे फेल्ट थ्रेट, एंड ये पहला असर है। दूसरी बात, जो दुरंद लाइन सेपरेट करती है दो पश्तून एरियाज को, एक पाकिस्तान में है, एक बनता अफगानिस्तान में, और अफगानों ने कभी दुरंद लाइन को परमानेंट लाइन नहीं मानते, वो कहते हैं ये एरिया पश्तून एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो पाकिस्तान का है ये हमारा ही इलाका है, यहाँ भी पश्तून है हम भी पश्तून है, और तहरीकी तालिबानी पाकिस्तान और तालिबान की दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों में पश्तून लोग मैक्सिमम है, दोनों कहते हैं भाई ये पश्तून एरिया जो पाकिस्तान का है ये अभी ये डिस्प्यूटेड है, सो टाइम आ जाएगा जब वो पश्तूनिस्तान बनाएंगे और उसमें पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को, वो कभी उन्होंने डिनाई किया, अगर आप 47 से देखेंगे या 47 से पहले भी देखेंगे, अफगान हैज नेवर रिकॉग्नाइज्ड दुरंद लाइन एज द फाइनल लाइन, वो कहता है ये कोई लाइन नहीं है, ये पश्तून इस साइड भी है पश्तून उस साइड भी है, और तहरीकी तालिबान पाकिस्तान जो है वो भी पश्तूनों की है, और साथ में तालिबान लोग भी पाकिस्तान जो तालिबान अफगानिस्तान का है वो भी पश्तून है, तो पहली तो ये चीज है। और सर, दूसरी चीज आप देख लीजिए, आप तो ये तो एक हिस्टोरिकल चीज है जिसको तालिबान कभी ना कभी क्लेम करेंगे। अब दूसरी बात है, तहरीके तालिबानी पाकिस्तान, आपको याद होगा कि इसने करीब एक ही दिन में पाकिस्तान में करीब कई बच्चे एक ही स्कूल में मारे थे, अगर याद हो 3 साल पहले, पहले जब में। हाँ अच्छा, अब की बार उन्होंने 3 को मारा और 20 को 13 सितंबर को करीब ये वॉन किया। अब मुझे बताओ, अफगान तालिबान कभी नहीं चाहेगा कि पश्तूनिस्तान दो बन जाए, फॉर्मल बॉर्डर को उन्होंने माना नहीं। अच्छा, दूसरा जो आपने बात बताई इनफ्लो ऑफ रिफ्यूजीज, ये भी अपने आप में। तीसरा, इसने पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट एलिमेंट्स है उनको एनकरेजमेंट हुई। जब उनको एनकरेजमेंट हुई नेचुरली वो भी कहते हैं हम भी कुछ ना कुछ है ही, जब वो कर सकते तो हम भी कर सकते। सो द रिटर्न ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान विल एम्बोल्डन तहरीकी तालिबानी पाकिस्तान, और इस बार उन्होंने ओपनली अपने तालिबान के झंडे चढ़ाए, पाकिस्तान इस्लामाबाद से 10-15 किलोमीटर दूर ही चढ़ाए। रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान विल राइट द लास्ट स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, दैट इज व्हाई और आइडियोलॉजिकल भी इनका परिवर्तन चाहेंगे, जो तालिबान मेंटेलिटी के लोग हैं वो चाहेंगे कि ये पाकिस्तान भी एक फंडामेंटलिस्ट देश, पूरा फंडामेंटलिस्ट देश बन जाए, और उसकी उसका एक नमूना तो अभी हाल ही में कि जींस जो है वो मना किया गया, और लड़कियों को जो है ज्यादा से ज्यादा बुरके में रहने को कहा गया, और वो भी अब शायद अलग अलग कॉलेज और स्कूल भी बनाएंगे, तो इस तरीके से प्रभावित तो हो रहा है पाकिस्तान। पहले हकानी तो पाकिस्तान का ही बंदा है, और हकानी के आधे लोग उधर है आधे लोग इधर है,
और दूसरी बात आप देख लीजिए, शिया उनके भी दुश्मन है, शिया इनके भी दुश्मन है, तो ये आइडियोलॉजी शियाओं पे पाकिस्तान में भी अटैक हो रहे और शिया लोगों पे ये अफगान तालिबान जब पावर में आ गया पहला अटैक उनके ही लीडर पे हुआ। सो मैं ये कह रहा हूं कि देर इज सिमिलैरिटी एंड देर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब दूसरी बात है, अब पाकिस्तान उसे ओवरटेक करता अगर ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता, अब ये किस बेस पे उन्हें हेजेमनी दिखाएगा? पैसा तो है नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं, अगर वो थोड़ा स्टेबलाइज होंगे तो इनके चने चबवाएंगे। लेकिन सर प्रॉब्लम तो ये है कि यूएन और अमेरिका जो है वो बहुत ही सॉफ्ट व्यू ले रहा है मतलब तालिबान का, और वो अभी तो एड भी देने को तैयार हो गए हैं, और अगर ये एड यूएन की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही आता, लेकिन हो सकता है वो तालिबान को ही ये सारा उनके थ्रू करवा दे, तो हालात तो वही रह हो जाएंगे कि वहां पे बहुत भुखमरी ही रहेगी और जो पैसा है वो टेररिस्टों को जाएगा। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू मेक गुड ऑफिसेस विद अमेरिका, लेकिन बार बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फोन कर रहा है और वहां से नो रेस्पॉन्स फ्रॉम बिडेन गवर्नमेंट आता है, वो उठाता नहीं फोन। तो यानी इस दलाली में अमेरिका पूरी तरीके से, ये पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज होता जा रहा। और रही बात एड की, जहां पे अफगानिस्तान का पैसा है वो फ्रीज किया गया, नॉट ओनली इन अमेरिका बट इन अदर कंट्रीज आल्सो, जहां पे इनका पैसा था वो फ्रीज किया गया बिकॉज कंट्रीज आर नॉट येट रिकॉग्नाइजिंग तालिबान एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारा प्रोग्राम का टाइम हुआ जाता है और हमने आज ये तीनों विषय जो है बिल्कुल इनको एक्सप्लोर किया, और इनके बारे में जो आपसे एनालिसिस हमने जानी और सब दुनिया देख रही है, और ये बात 100% श्योरिटी के साथ कही जा सकती है कि पाकिस्तान ने जो है उसने सांप बिच्छू अजगर अपने लिए पाल के रखे हैं, उसके ही काम आएंगे और ज़रूर बहुत जल्दी ये चीज़ भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हम इजाज़त लेने से पहले, आप हमारे साथ जुड़े रहे विनोद जुच्छी जी, उन्होंने बहुत अच्छा डिबेट किया हमारे साथ, राजीव भारती जी रहे हमारे साथ, भारत बमरू विनय जी रहे हमारे साथ, दीपक बुदकी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो इन्होंने भी अपने इनपुट्स दिए हमको, और इससे जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन चाहते हैं और उनके इनपुट्स चाहते हैं ताकि ये बहस जो है पर्पजफुल बने, और हमको भी आपके इनपुट से बहुत मदद मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने इनपुट देने के लिए। अनिल लखासी जी जुड़े रहे हमारे पास, अनिता शुक्ला जी जुड़ी रही हमारे साथ, बहुत ही ये लेखक और कवित्री है अनिता शुक्ला जी, पूर्णिमा शाह जुड़ी रही हमारे पास, दीपक बुदकी साहब तो हमने कह दिया, अनिता शुक्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे, तो आप सबका धन्यवाद, और आपसे मैं इजाज़त ले लूँगा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज कह दीजिए लास्ट में डॉक्टर साहब। अच्छा लगता है जब पार्टिसिपेट सभी करते हैं तो, बट कहीं ना कहीं नाउ वी शुड रियलाइज व्हाट इज रियलिटी, जो व्हाट एवर वी हैव बीन टॉट इज नॉट रियलिटी, देयर इज बियॉन्ड ट्रुथ आल्सो, और दैट इज वेरी मच, जब इंसान समझता तो इंसान सोचता ये भी हुआ था, ऐसे भी हुआ था, मतलब कल तक हमें पता नहीं था। मैंने आपसे डिस्कशन भी किया कि मिस्टर प्रताप भी कोई बंदा था यूपी में अलीगढ़ में, जिसने तो भैया इंटरिम गवर्नमेंट तक बनाई थी अपने वक्त, और सब कुछ त्यागा था देश की यूनिटी के लिए, बल्कि हमें पढ़ाया गया सिर्फ तीन एक खानदान ने ही सब कुछ किया, ऐसा नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपके साथ बात करते हुए हमेशा अच्छा लगता है और बात बहुत सी अच्छी बातें जानने को मिलती है। कल हमारे साथ जुड़ेंगे संजय ददरू जी, संजय ददरू जी जो है वो SOS विलेज के साथ भी वाबस्ता रहे हैं बहुत देर तक, उसके बाद उन्होंने लव केयर फाउंडेशन जो है वो क्रिएट की, लव केयर फाउंडेशन ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, सोशल वर्क किया है, और ये हमारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और मुझे बहुत फख्र होता है आपको इनसे इंट्रोड्यूस करते हुए। कल इनके साथ प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम, नौजवान है हमारी कम्युनिटी से और उन्होंने बहुत जो है इनक्रेडिबल काम किया है, जो
सारे जितने भी डाउन ट्रॉडन है और जितने भी पॉवर्टी स्ट्रिकन बीपीएल के बच्चे हैं और महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके लिए उन्होंने पैंडेमिक में खासकर बहुत उम्दा काम किया है। उनसे आपकी मुलाकात कर कराऊंगा, कल कराऊंगा। उस तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और जुड़े रहिए, हमारे प्रोग्राम्स आप देखते रहिए और हमें एनकरेज करते रहे, लाइक करते रहे और हमारा हमारे प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करते रहे, इससे आपको हमारे प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, और हमारी INFTV.in पे भी आपको ये सारे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। तो आज आपसे इजाज़त लेता हूँ।